देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार शाम जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हर कोई हैरान है कि आखिर देश के भावी कर्णधारों को कौन निशाना बना रहा है। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि क्या ऐसे छात्र अपना मुकाम हासिल करेंगे। इन सवालों के साथ घेरे में सरकार है, पुलिस को अपने हाथ में रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह है जिनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया है। जामिया में बवाल मचे तो छात्र जिम्मेदार, जेएनयू में हमला हो तब भी लेफ्ट ही जिम्मेदार, क्या इन घटनाओं में सरकार नहीं है कसूरवार। इन्हीं सवालों के साथ विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को अपने निशाने पर लिया है, साथ ही दिल्ली पुलिस की कमान संभालने वाले गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी करती है। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने जेएनयू में हुई गुंडागर्दी को लेकर अमित शाह को घेरते हुए कहा कि दिल्ली में छात्रों को निशाना बनाया गया लेकिन पुलिस देखती रही। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अपनी पुलिस को आदेश न दे सके कि वो हमलावरों को रोके, वो भी छात्रों को पिटते हुए देखते रहे। जब से अमित शाह ने गृह मंत्री का पद संभाला है तब से दिल्ली में छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। शाह को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आपके साथ कांग्रेस ने भी अमित शाह को जमकर घेरा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जेएनयू के छात्रों के हॉस्टल में रात को घुसकर एबीवीपी के गुंडों द्वारा जो मारपीट की गई है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। दिल्ली पुलिस देखती रही, क्या भारत की गृह मंत्री पर जवाबदारी नहीं बनती। गृह मंत्री या तो इन गुंडों पर सख्त कार्रवाई करें या इस्तीफा दें। जेएनयू मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र सरकार पर तीखे शब्दों के बाण छोड़े हैं। उन्होंने कहा कि जेएनयू में छात्रों और शिक्षकों के साथ हुई हिंसा अति निंदनीय और शर्मनाक है। केंद्र सरकार को इस घटना को अति गंभीरता से लेना चाहिए, साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच हो जाए तो ये बेहतर होगा। जेएनयू मामले पर दिल्ली पुलिस से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सवालों के घेरे में हैं। अब देखना होगा कि क्या अमित शाह इस घटना में पुलिस की नाकामी को मानकर जवाबदेह बनेंगे या फिर यूं ही मौन बने रहेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।